Students, in this video I am going to tell you about some terms related to concave mirror. Okay, so first let me start. Terms related to concave mirror, there are some terms. Okay, so let me make a concave mirror first here. Concave mirror means whose inner side is reflecting side, इसके अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग होती है तो बाहर की साइड में क्या की जाती है, इसमें कोटिंग की जाती है, पॉलिश की जाती है. तो बाहर की साइड को सरफेस को आप पॉलिश करेंगे और इनर सरफेस इसका क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर बना. और ये जो कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, इसका जो मिड पॉइंट होता है, देखो ये टोटल डिस्टेंस ले लो आप कॉनकेव मिरर की, यहाँ से यहाँ तक इसका जो ठीक बीच में जो पॉइंट आएगा, यानी ये पॉइंट है. ठीक है ना, सो दिस मिड पॉइंट जो बीच में, ठीक बीच में जो पॉइंट आएगा, दिस मिड पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नोन एज पोल, डिनोटेड बाय पी. इसको डिनोट किससे करेंगे, हम पी से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल. ठीक हो गया, वेरी गुड, दैट इज पोल. नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं बच्चों, देखो अगर ये आपका जो कॉनकेव मिरर है, इसको मैं, ये तो आधा है, इसको मैं पूरा फिनिश करूँ, फिनिश करने के बाद ये एक स्फीयर बन जाएगा. इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, यानी यहाँ पर जो सेंटर होगा, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. ये पूरा स्फीयर का एक सेंटर माना जाएगा. ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर. इसको सी से डिनोट करेंगे, आप किससे डिनोट करेंगे, सी से. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट. है ना, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का वो सेंटर होता है जिसका ये कॉनकेव मिरर आपका एक पार्ट है. क्योंकि इसी स्फीयर, ये स्फीयर को काट करके हमने, इतना काट करके हमने ये कॉनकेव मिरर बना दिया है, मिरर बना दिया ना. तो कॉनकेव मिरर का ये पूरा एक आपका कॉनकेव मिरर है. ये आपका क्या है, आपका क्या है, कॉनकेव मिरर. ये कॉनकेव मिरर है, तो इसको पूरा अगर ऐसे घुमा दें स्फीयर बन जाएगा. तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट. कॉनकेव मिरर जिसका एक पार्ट होगा उसी को आप क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, इतनी सी समझ में आ गई पक्का, वेरी गुड, क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगला बच्चों इसमें आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस. अगला क्या आएगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन. ये एक इमेजिनरी लाइन होती है ना, जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, ऐसे खींच दें हम, पूरी इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन खींच दें, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी एंड पी. यानी सी और पी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर है बच्चों, वेरी गुड. नेक्स्ट टर्म, जो अगली टर्म इसमें हमारी आएगी, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों जो होता है, द डिस्टेंस पी सी, ये पी सी डिस्टेंस. पी सी डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है, पी सी डिस्टेंस ये, यानी ये पी से लेके ये सी तक, यानी ये पी सी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, दिस पी सी डिस्टेंस विल बी नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. यानी द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस फ्रॉम
इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला बच्चों पॉइंट जिसमें आता है आपका, वो होता है फोकस। क्या होता है फोकस? तो फोकस क्या होता है, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी, यानी पी से लेके सी तक का जो मिड पॉइंट होगा ठीक बीच में, पी और सी के बीच का ठीक बीच का जो पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। सपोज यहाँ पर मिड पॉइंट आ रहा है, इसको हम फोकस बोलेंगे, डिनोटेड बाई एफ, ठीक है। तो फोकस क्या होगा, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ या हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, आर से। मीन्स ये टोटल डिस्टेंस आपकी यहाँ पोल तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर, ठीक है, ये आर कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये आर को आर से डिनोट करेंगे और फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं, क्लियर हो गया। सो फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी सी, यानी पी सी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी सी का जो मिड पॉइंट होगा ठीक बीच में, दिस विल बी नोन एज द फोकस। अगला टर्म बच्चों जिसमें जो आता है वो होता है फोकल लेंथ। क्या होता है फोकल, एफ ओ सी एल, फोकल लेंथ, एल ई एन जी टी, लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल एफ से डिनोट। तो फोकल लेंथ कौन सी डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। पोल से लेके फोकस की जो डिस्टेंस होती है ये, दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज फोकल लेंथ। ओके, सो व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ओके, डिनोटेड बाय एफ, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से, क्लियर हो गया। वेरी गुड, तो ये तो था आपका फोकल लेंथ, क्लियर है। अगली टर्म बच्चों जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो है आपका, वो है आपका, देखो अब हमने एक चीज़ देखी, ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये अगर मिड पॉइंट है, मैंने आपसे बोला ये यहाँ से लेके टोटल डिस्टेंस आर है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट आपका एफ है, ठीक है, और मैंने बोला कि फोकस किसको कहेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो एफ है, फोकल लेंथ जो है वो ये है डिस्टेंस, तो क्या मैं कह सकते हैं कि जो एफ है ये डिस्टेंस जो है ये इस आर का आधा है, नहीं है बिल्कुल हाफ है ना, यस। तो एक टर्म और निकल के आती है, जो आपका फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ये एक फॉर्मूला भी बनता है आपका, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये आपके कुछ टर्म्स थे विच आर एसोसिएटेड विद अ मिरर, ठीक है, जिसको हमने अभी डिस्कस करा आपके सामने, कॉनकेव मिरर, क्लियर हो गया, कॉनकेव मिरर को हमने आपके सामने डिस्कस करा। एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है, पॉइंट क्या बताना चाहता हूँ, देखो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है आपकी, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, क्या कहलाएगा, डायमीटर, ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो दिस टोटल डिस्टेंस इज द डायमीटर, इसको हम एपर्चर ऑफ द मिरर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एपर्चर ऑफ द मिरर। सो व्हाट इज द एपर्चर ऑफ द मिरर, एपर्चर ऑफ द मिरर इज द डायमीटर ऑफ द मिरर, मिरर का जो डायमीटर होगा इसको हम बोलेंगे एपर्चर, एपर्चर, ओके, सो व्हाट इज एपर्चर, एपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द मिरर, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है, हाँ, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ टर्म्स विच वर रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स, टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मिशन स्कूल परिवार, थैंक यू।